हेलो फ्रेंड्स, ले आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जेई मेन्स एडवांस्ड और नीट के लिए एक अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को देखकर बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, तो मैं बताऊंगा वो ट्रिक्स जिससे आप फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चंस करने में। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आप ऑल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चंस में कहीं अटके ना। समझते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को। सबसे पहले बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है। तो टाइम वेरिंग वोल्टेज या करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। क्या मतलब हुआ? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के साथ चेंज होते हों। टाइम के साथ अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे तो वो सप्लाई ऑल्टरनेटिंग सप्लाई कहलाती है। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। जब तक फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भले ही चेंज हो, तो वो क्या कहलाती है? ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। आगे इसके बारे में और बात करेंगे। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज भले ही हो जाए, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे तरह की होती है एसी वेव्स। हम कुछ बात करेंगे यहाँ पर कुछ टाइप्स के बारे में। स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव जो होती है वो एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन होता है, सुपरपोजिशन होता है एसी और डीसी का। ये स्क्वायर वेव कहलाती है। रेक्टेंगुलर वेव या स्क्वायर वेव जो लगभग कॉन्स्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड में कॉन्स्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए इसको एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ट्राइंगुलर वेव, ये लीनियरली बढ़ता है, लीनियरली कम होता है, नेगेटिव साइड में जाता है और फिर बढ़ता है, ये ट्राइंगुलर वेव है। सॉ टूथ वेव, सॉ टूथ, सॉ के दांत की तरह, टूथ की तरह। और जो हमारे सिलेबस में है जिसका एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव साइन और कोसाइन वेव को कहा जाता है। जिसका शेप साइन वेव या कॉस वेव की तरह होता है वो साइन या कॉस वेव कहलाती है। और हम आगे इसी का एनालिसिस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ एसी विच आर वेरी कॉमनली यूज्ड। आइए बात करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस का और साइन वेव के एनालिसिस का। साइन वेव जो प्रोड्यूस होती है इसके लिए हम यूज किया जाता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर इसका सोर्स होता है जिसे हम साइन वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। साइन वेव जो प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्म होगा E equals to E naught sine omega t plus phi। E क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू तात्क्षणिक मान, किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम पर क्या वैल्यू होती है? वो होती है E, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। E नॉट सारी वैल्यूज में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू, दैट इज नोन एज E नॉट। E नॉट इज द पीक वैल्यू। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन इसका फॉर्म है, ओमेगा टी प्लस फाइव कहलाता है टोटल फेज। टोटल फेज है ओमेगा टी प्लस फाई, जहां फाई इनिशियल फेज कहलाता है। जरूरी नहीं है कि टी इक्वल्स टू जीरो पर, यानी जब हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ है तब करंट की वैल्यू या ई की वैल्यू जीरो हो, वो वैल्यू ई बाई टू हो सकती है या कोई और। तो वो फाई डिसाइड करता है इनिशियल फेज कि जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ है तब वैल्यू क्या थी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि रेडियन पर सेकंड में होती है, ओमेगा 2 पाई बाय टी के बराबर होता है। टी को टाइम पीरियड कहा जाता है और 1 बाय टी फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पाई एफ, जहां फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ एसी, एनालिसिस ऑफ साइनोसॉइडल वेव, सॉरी एनालिसिस ऑफ साइनोसॉइडल वेव। ये पीक वैल्यू है। अगर फाई जीरो हो जाए, इफ फाई इक्वल्स टू जीरो, इनिशियल फेज जीरो हो जाए, तो ये कर्व जो है इसको ये हो जाएगा, दिस इज ई वेरिंग विद टाइम टी। ये पूरा टाइम पीरियड है और ये इसकी पीक वैल्यू है, ये इसकी पीक वैल्यू है और ये टाइम पीरियड है।
तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? एवरेज वैल्यू होगा, एवरेज वैल्यू दो तरीके से बात की जाती है, कंप्लीट साइकिल में। तो कंप्लीट साइकिल में जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए कंप्लीट साइकिल में इसका एवरेज वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। हाफ साइकिल, हाफ साइकिल भी पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल, कोई भी एक हाफ लिया जाएगा, या तो पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ, क्योंकि ये भी एक हाफ साइकिल है यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल की, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2E0/π। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, हाफ साइकिल एवरेज ऑफ AC। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू होता है 2E0/π। E0 मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू है, एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.63E0। हाफ साइकिल एवरेज इज 0.63E0, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर साइन और कॉस वेव। साइनोसॉइडल वेव का हाफ साइकिल एवरेज 0.63E0 होता है। इस पार्ट में हमने AC का एनालिसिस सीखा। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे किस तरह RMS और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जाए और किस तरह AC के सर्किट्स को सॉल्व किया जाए। अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप आगे AC के सारे वीडियोज़ देख सकें। थैंक यू एवरीवन।